वॉट इज़ गिट, गिट क्या है? तो गिट को समझने के लिए हमें सबसे पहले डेवलपर्स जो रहते हैं ना कंपनीज़ में, वो किस तरीके से काम करते हैं वो हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम जो देख रहे थे वो था बेसिक HTML, बेसिक CSS, बेसिक बूटस्ट्रैप, राइट। अभी हमको ये समझना है कि इसको सीख कर लोग करते क्या है कंपनीज़ में, राइट। तो उसके लिए ये एक टर्म जो है ये यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम गिट। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपने है ना पूरा कोड लिखा, ठीक है, HTML हो या फिर CSS हो या एक वेबसाइट आपने पूरी क्रिएट किया अपने तरीके से और उसका एक कोड प्रिपेयर किया। अब एक कंपनी में, ये कंपनी है ठीक है, इस एक कंपनी में आप एक एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, राइट। आप के समान बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करेंगे और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जैसे गूगल, जैसे अमेज़ॉन, तो यहाँ पर तो मतलब हज़ारों में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, राइट। तो अब इस एम्प्लॉय, मान लो आप ये वाले एम्प्लॉय हो, आपने ये कोड लिखा, ठीक है। अब ये सेम जो कोड है, ये जो पूरा कोड है, ये सेम कोड आपके जैसे ही एक दूसरे डेवलपर को भी लिखना है या फिर उसको यूज़ करना है, उसे देखना है कि उसके कोड में ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो वो आपके कोड से रेफ़र करके अपना कुछ काम करना चाहता है या फिर इसी कोड में और फीचर्स उसे ऐड करने के लिए बोला गया है। जैसे आपने सिर्फ एक हेडिंग बनाई है इस कोड में, ठीक है, और ये आपका काम था, और इस डेवलपर को ये काम दिया गया है कि ये जो हेडिंग इसने बनाई है ना, जो आपने हेडिंग बनाई है, उस हेडिंग में आपको कलर भी देना है, ठीक है, उस हेडिंग में आपको कलर देना है, वो इसका काम है। आपका काम था कि आप एक हेडिंग बना दो, इसको काम मिला है इस एम्प्लॉय को कि इसी इसका जो कोड है ना आपका, उसके इसमें आपको कलर करना है उस हेडिंग को। इस थर्ड एम्प्लॉय को ये काम मिला है कि इन दोनों के जो काम है, जैसे आपका और इस डेवलपर का, इन दोनों के इसमें आपको बटन ऐड करना है, इसको ये काम मिला है। वैसे ही इस एम्प्लॉय को दूसरा काम मिला है कि जब भी वो बटन पे क्लिक हो तो आपको एक नया पेज ओपन करना है और उस पेज का जो पूरा डिज़ाइन है वो इस डेवलपर के हाथ में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब लोग है ना सिंक में काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि इसने एक बार हेडिंग बनाई तो ये फिर से हेडिंग बनाते बैठ रहा और उसको ही कलर भी दे रहा, फिर इसको बटन बनाना है तो ये फिर से पहले हेडिंग बनाएगा, फिर उसको कलर देगा, फिर बटन बनाएगा, फिर इसका काम तो फिर ट्रिपल हो जाएगा, राइट। एक पेज पूरा बनाना है, दूसरा और बटन के क्लिक पे दूसरा वेब पेज जो ओपन करना है वो फिर से उसको बनाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंक आपको एक समझ में आ रहा होगा कि सब डेवलपर्स है ना टुकड़ों टुकड़ों में काम कर रहे हैं, पार्ट्स में ये लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी है ना जो जल्दी ग्रो होती है, ये तो एक बेसिक हेडिंग का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन वही अगर मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करूँ, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का आधा काम एक एम्प्लॉय को दिया गया है, आधा काम इसी सॉफ्टवेयर का दूसरे एम्प्लॉय को भी दिया जाएगा, राइट। तभी वो एक साल में डिलीवरी होगी उस प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट कैसे, उन्हें टाइम टू टाइम लोगों को देने पड़ते हैं, राइट। पब्लिक में वो लॉन्च करते हैं, जैसे आईफोन लॉन्च होता है, एंड्रॉयड के नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए फ़ोन्स लॉन्च होते हैं, नए नए ऐप्स लॉन्च होते हैं, तो वो ऐप्स क्या एक जना डेवलपर नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए आपको बहुत सारे डेवलपर्स लगते हैं और वो भी सिंक में, कि एक ही कोड जो इसने बनाया है इसी कोड में ये भी कुछ काम करना चाहे तो कर सकता है और ये भी कुछ करना चाहे तो कर सकता है। तो इससे क्या होगा, तीनों का काम मेल मिलाट से जल्दी बनेगा और एक मंथ में या 2 महीने में जो भी उनका टारगेट रहता है वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन आता है कि ये जो सिंक है, मतलब इस डेवलपर ने, जो फर्स्ट डेवलपर है, इसने जो अपना कोड लिखा, तो ये दूसरा डेवलपर कैसे एक्सेस कर पाएगा, क्वेश्चन ये है, राइट। क्योंकि ये तो आपने अपने कंप्यूटर में लिख दिया, फिर इसको कैसे मिलेगा, क्योंकि ये अपने कंप्यूटर पे बैठा है यहाँ पे, इसको कोड कैसे मिलेगा, ये आपने अपने कंप्यूटर पे लिखा है। फिर वही अगर तीसरा एम्प्लॉय आ गया तो फिर वो पूछेगा यार कोड कहाँ पे है, तो ये तो अपने कंप्यूटर पे बैठा है। तो होता क्या है, इन सब कंप्यूटर्स का एक बीच में रहता है सेंट्रल कंप्यूटर जो इंटरनेट पे रहता है, ये किसी के पास नहीं रहता है, ये इंटरनेट पे रहता है क्लाउड पे। तो इसमें है ना एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम बोलते हैं गिट। इस गिट, ये जो गिट है
ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब जैसे एक कोड आपने लिखा, उसको मैं बोलूँगा फर्स्ट वर्जन है, जिसमें मैंने हेडिंग बनाई है, ठीक है, उसको मैं फर्स्ट वर्जन बोलूँगा। फिर ये जो दूसरा डेवलपर है, इसको है ना उसमें हेडिंग में कलर डालना है, राइट। तो ये बोलेगा कि ये इसी कोड का सेकेंड वर्जन मैंने तैयार किया है, जिसमें हेडिंग के साथ कलर भी आ गया। फिर जो थर्ड डेवलपर है, फिर उसका और काम अच्छा हो गया कि उसने बोला मैं थर्ड वर्जन बना रहा हूँ इस सेकेंड वर्जन का, कि जिसमें मैं बटन के साथ में क्लिक करने पे नया पेज भी बनाऊँगा। तो ये वर्जन कंट्रोल जो होता है, और सिंक में इसको कोड देना, इसको कोड मिल जाना, कोड नहीं देना, कोड देना, तो ये जो काम है इस ये रहता है गिट का। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि गिट एक्चुअली है क्या। तो गिट को यूज़ करने के लिए ना हमें कमांड्स लगती है, राइट। तो एक तरीका है कमांड्स के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक तरीका है एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सोर्स ट्री, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी आप गिट को यूज़ कर सकते हैं। तो थेरी में तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिंक में लाने के लिए सभी डेवलपर्स को ये गिट को यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं कोड के थ्रू, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है इंस्टॉल, आपको करना पड़ेगा सोर्स ट्री। तो गूगल पे आपको लिखें सोर्स ट्री हियर, और यहाँ से क्लिक करें पहली लिंक जो भी आ रही है। मेरा लैपटॉप जो है वो मैक ओएस पे चलता है, आपका लैपटॉप विंडोज़ पे अगर है तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें, और मैं मैक के लिए डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर ऐसे टाइप की स्क्रीन आपको दिखेगी, सोर्स ट्री, राइट, ऐसे नाम की एक आपको स्क्रीन दिखेगी, सोर्स ट्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से ब्राउज़र में आपको टाइप करना है बिट बकेट, ठीक है। जैसे ही बिट बकेट करेंगे ना, तो इसको सबसे पहले मैं साइन आउट कर देता हूँ। तो आप पहली बार अगर ओपन करेंगे तो वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो गूगल के थ्रू मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया अपना अकाउंट कोडजीफाई वाला। ये आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं ताकि हम रिपॉजिटरी जो गिट का मैंने बताया, ये जो सेंट्रल रिपॉजिटरी है ये हमको तैयार करनी है। तो ये बनेगी कैसे, राइट, ये बनेगी कैसे, ये क्वेश्चन है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट में, ये इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे रिपॉजिटरी। अब रिपॉजिटरी क्लिक करने पर आपको यहाँ पे लिखना है प्रोजेक्ट, जो भी आपको यानी नाम देना है उसका। तो मैं लिखूँगा डेमो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने डेमो प्रोजेक्ट लिखा तो वो अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, उसको नाम देंगे डेमो प्रोजेक्ट, विदाउट स्पेस आपको नाम देना होगा। फिर आएगा रिपॉजिटरी नेम, तो मैं इसको दूंगा डेमो, दैट्स इट, डेमो हम दे देंगे। और इसको प्राइवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो क्या होगा, जो भी मैंने है ना इतनी मेहनत की है, ये जो पूरा मैंने कोड लिखा है ये पूरी दुनिया को अवेलेबल हो जाएगा। यानी सिर्फ हमारा एम क्या था कि हम जिसको एक्सेस देंगे, इस डेवलपर को हमको एक्सेस देना है, इस डेवलपर को हमको एक्सेस देना है, पर अगर हम पब्लिक कर देंगे ना तो पूरा इंटरनेट जितने भी लोग हैं सबको ये मिल जाएगा। तो ये बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर कंपनी का है, कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर आपको ये समझना है कि ये प्राइवेट रहना बहुत ज़रूरी है। बस इतनी आपको चीज़ें करनी है, डेमो प्रोजेक्ट और डेमो, और क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करना है। ये हो गया हमारा रिपॉजिटरी क्रिएट। अब आपको चेक करना है कि रिपॉजिटरी बनी कहाँ पर है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपॉजिटरीज का, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि मैंने डेमो नाम की रिपॉजिटरी बनाई, अभी 15 सेकेंड्स हुए हैं, अभी हमने जस्ट बनाया ये। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी कोड है ना आपका वो यहाँ पे दिख जाएगा, अभी ये एम्प्टी है, अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं कि इस रिपॉजिटरी को हम विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट करते हैं। तो कैसे होगा, उसके लिए आपको जाना है इस क्लोन पे, ठीक है। इस क्लोन पे जैसे ही जाएंगे ना आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ये कमांड है, तो
तो जैसे कि मैंने बताया कि गिट को यूज़ करने के लिए दो वेज है, या तो आप कमांड्स यूज़ करें या तो आप सोर्स ट्री के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैं क्लोन इन सोर्स ट्री करूँगा, ओपन सोर्स ट्री टू, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आया ना, तो अब आपको ये कहाँ पे सेव करना है वो आपको आपका चॉइस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तीन एलिप्सिस पे, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम दूँगा डेमो प्रोजेक्ट। इसको मैं एक न्यू फोल्डर में ऐड कर रहा हूँ रिपॉजिटरी को, और ये डेमो प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर दूँगा। तो इस लोकेशन पे ये वाला जो रिपॉजिटरी है मेरा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही मैं क्लोन करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। पर अगर आप फर्स्ट टाइम, ये तो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ तो मेरा सेटिंग्स इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, पर अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो आपको ये पासवर्ड पूछेगा, तो उस टाइम पासवर्ड आपको लेने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैं वो भी पाइपलाइन, वो भी डाउट आपका सॉल्व कर देता हूँ। पासवर्ड आपको कैसे निकालना है, बिटबकेट में आपको आना है, यहाँ पे आपको ये अपना अकाउंट दिखेगा प्रोफाइल, इसमें जाना है, ठीक है। पर्सनल सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको एक पूछेगा ऐप के पासवर्ड के लिए। तो इस ऐप पासवर्ड पे क्लिक करके, ये ऑलरेडी पासवर्ड क्रिएटेड है, इसको रिवोक कर देता हूँ मैं, यहाँ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप क्रिएट ऐप पासवर्ड करेंगे, ठीक है। पासवर्ड का डिटेल आपको देना है तो आप दे सकते हैं डेमो प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको एक्सेस देना होगा खुद को, राइट का मतलब आप इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं, तो आपको सारा एक्सेस होना चाहिए। आप रीड भी कर सकते हैं कोड को, और राइट उसमें आपको कुछ ऐड करना है कोड में तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आपको एक एडमिन का ये दे देना है एक्सेस, कि आप सब कुछ कर सके इसमें रीड राइट का, ठीक है। एक बार ये हो गया तो क्रिएट कर देंगे यहाँ से हम पासवर्ड। फिर ये जो पासवर्ड है ना, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो आपको ये पासवर्ड को नोट करके रखना है अपने पास, ठीक है। इसको आप कहीं पे नोट करके रख दीजिए, तो इजीली आप उस पासवर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ही वो पासवर्ड आपका रेडी हो गया, आप यहाँ पे वो पासवर्ड जब भी क्लोन पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, उसमें ऐड करके क्लोन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जब मैं ये क्लोन करूँगा, चलो क्लोन करते हैं इसको, कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आया। अभी ये मेरी जो रिपॉजिटरी है ये बन गई, तो यहाँ पे अब जो भी मैं कोड लिखूँगा ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो से कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो पे आएंगे और मैं यहाँ से न्यू विंडो ओपन करूँगा, ठीक है, न्यू विंडो, क्योंकि ये नया डेमो प्रोजेक्ट है तो हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने कहाँ पे स्टोर किया था, हमें उस लोकेशन पे आना होगा, मैंने डॉक्यूमेंट्स में स्टोर किया था। तो ये डेमो प्रोजेक्ट हमारा था, एम्प्टी प्रोजेक्ट है ये, इसको बस ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। या तो आप ड्रैग ड्रॉप करके ला सकते हैं या फिर यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं आऊँगा डेमो प्रोजेक्ट और ओपन कर देंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया ओपन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गिट इग्नोर नाम की एक फ़ाइल है जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे इसमें अवेलेबल थी, अगर आपको याद होगा तो। एम्प्टी प्रोजेक्ट में ये एक ही फाइल है जो हमें कमिटेड है, इसके थ्रू ही वो कनेक्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कोई भी आपको, जैसे अब को ये आपका HTML प्रोजेक्ट हो गया, पर ये क्या हो गया, ये कनेक्टेड हो गया गिट के साथ। अब आप इसमें आप भी काम कर सकते हैं, आपको किसी और को एक्सेस देना है या किसी और डेवलपर को एक्सेस करना है, तो कंपनी हर किसी को एक गिट दे देती है, तो ऑटोमेटिक वो कंबाइन करके मैन्युअली सिंक करके एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब मैंने एक HTML कोड लिखा, जैसे कि हम बेसिकली लिखते हैं, वो मैंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किया, मैंने लिखा हेडिंग, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, फाइल में जाके सेव कर दिया। अब मुझे इसको रन, तो ये हो जाएगा यहाँ से, जैसे आपको पता है वेब ऐप में हम रन कर देंगे, हेडिंग वन आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या होगा, मैजिक जो है वो यहाँ पर है, कि जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे वो कोड है ना, यहाँ पे भी आ गया गिट के अंदर। ये कैसे आया, इसी को ही बोलते हैं कि गिट जो है वो हमारा कोड जो है वो मैनेज करता है। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है आपके कंप्यूटर से सपोज डिलीट हो गया, कभी आप काम कर रहे हैं या फिर कुछ वायरस आ गया या फॉर्मेट हो गया, तो उस केस में क्या होगा,
आपको पूरा प्रोजेक्ट है ना फिर से तैयार नहीं करना पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है गिट का यूज़ करने का। अब इसको सेव कैसे करेंगे हम लोग वो समझ लेते हैं। ये फाइल तो यहाँ पे आ गई, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऑल फाइल्स को। इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ ना तो इसका मतलब होता है कि मैंने उसको इंडेक्स में ऐड किया। तो इंग्लिश में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर कंपनीज़ की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको ऐड किया मैंने इंडेक्स में। फिर मैंने इसको जैसे कि यहाँ पे लिखा है कमिट, तो कमिट मतलब किस नाम से मुझे सेव करना है कि दूसरे डेवलपर्स या फिर मैं खुद भी समझ सकूँ कि इस फाइल में है क्या। तो मैं लिखूँगा दिस इज़ अ सिंपल हेडिंग HTML वेब पेज। तो जब भी मैं 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद या 1 हफ्ते बाद मैं रेफ़र करूँ कोड को तो मुझे समझ में आया कि यार ये फाइल में ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई है। ये होता है ऐड टू इंडेक्स पहली बार, फिर किया मैंने कमिट और तीसरी बार करेंगे हम पुश। तो ये 3 स्टेप होती है, ऐड टू इंडेक्स, कमिट और पुश। जैसे ही पुश किया या कमिट भी कर सकते हैं, मतलब ये कमिट करना ही है, कमिट करेंगे कंफर्म करेंगे और ये हो गया हमारा ऐड हो गया इंटरनेट पे, और या फिर हम बोल सकते हैं गिट पे। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा या फिर यहाँ कमिट्स में आएंगे ना हम लोग प्रोजेक्ट के, तो आपको दिखेगा यार कि यहाँ पे 12 सेकेंड पहले मैंने ये पेज बनाया है और ये इंटरनेट पे आ चुका है। पर और ये प्राइवेट है, सिर्फ आप ही देख सकते हैं या फिर आपने जिसको जिसको एक्सेस दिया है सिर्फ वो लोग। एक्सेस कैसे देते हैं दूसरों को वो मैं बताता हूँ, पहले आप खुद अपने तरीके से समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट चलते कैसे हैं। अब यहाँ पे ना हमारे ये पूरा कोड आ गया, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे है ना एक HTML फाइल बना है जिसका नाम है demo.html और उसमें एक हेडिंग दिख रही है। अब ये प्रोजेक्ट में मैंने कुछ भी चेंज किया, सपोज़ यहाँ पे हेडिंग 1-1 किया तो यहाँ पे वो फिर से चेंज बताएगा फाइल स्टेटस में। देखो कि पहले हेडिंग 1 था, अब यहाँ पे आपने ये चेंज किया, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि पहले आपका कोड क्या था और अभी क्या हुआ। तो इससे एक एडवांटेज है कि सपोज़ आपने यहाँ पे हेडिंग बनाया था और किसी और डेवलपर ने आपके ही ग्रुप के कुछ तो गड़बड़ कर दी और कोड को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे है ना आपको एक एडवांटेज है, पता चल जाता है कि पुराना कोड भी था और नया कोड भी है तो क्या क्या चेंजेस हुए। अब यहाँ पे ये हमने चेंज किया, हमने ऐड टू इंडेक्स किया, अब हम कमिट करेंगे दिस इज़ देर इज़ अ चेंज इन हेडिंग, देर इज़ अ चेंज इन हेडिंग। फिर इसको हम पुश कर देंगे, ठीक है। पुश करना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये कोड कमिट नहीं होगा। यहाँ तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से, तो चलो इस बार टिक नहीं करता हूँ मैं, इस बार सिर्फ कमिट करता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो पुश पे एक नंबर आ गया कि हमने ऐड टू इंडेक्स और कमिट तो कर दिया है पर पुश नहीं किया है, तो क्या वो फाइल यहाँ पे आ गई? यहाँ पर वो फाइल ही नहीं आई जो हमने लिखा देयर इज़ अ चेंज, वो कब आएगी? जब हम पुश करेंगे। तो पुश करने के बाद यहाँ ओके करेंगे, अब वो फाइल वहाँ पे अवेलेबल रहेगी गिट पे, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे ही अब मैं चेक करूँगा इसे, देर इज़ अ चेंज इन हेडिंग। अब मैं कोड में जाके देख सकता हूँ कि यार ये चेंज हुआ है कोड में। तो इस तरीके से गिट जो है ना वो परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया एक आ गया है कि गिट को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे चलाते हैं और कोड के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जब कंपनीज में एंटर करेंगे ना तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ता है कि आप जो कोड लिख रहे हैं उसको आपको गिट के साथ में कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हमने देखा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जो कमांड्स है वो कौन सी कमांड्स है मैं उसका एक रफ़ आइडिया आपको दे देता हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि गिट के कमांड्स कैसे होते हैं। जो मैंने 3 स्टेप्स बोले ना, गिट कमिट और गिट ऐड टू इंडेक्स, कमिट और पुश, तो ये कैसे होती है कमांड्स ये मैं आपको एक डिस्प्ले दे देता हूँ। मेजरली सोर्स ट्री ही यूज़ किया जाता है कंपनीज में कमिट करने के लिए कोड को, पर आपको कमांड्स का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट टाइम हमने क्लोन किए थे ना तो उसने हमें 3 ऑप्शन पूछे थे, क्लोन इन सोर्स ट्री, एक कमांड का ऑप्शन था और एक डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड का। तो हमने क्लोन इन सोर्स ट्री का वे चूज़ किया था, राइट। तो गिट क्लोन एक कमांड है, गिट क्लोन और जो भी URL है
वो आपको यूआरएल जहाँ पर भी मतलब वो कोड सेट है, जैसे बिट बकेट पे हमने वो सेट किया था, तो उसका यूआरएल, या जैसे ही ये कमांड हम टर्मिनल में रन करेंगे तो वो प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम में आ जाएगा। एक ये वे है, अगर आपको याद होगा तो इस टाइप की कुछ स्क्रीन थी, राइट? तो कितना इजी हो जाता है कि हम डायरेक्ट क्लोन इन सोर्स ट्री करें। लेकिन ऊपर जो आप कमांड देख रहे हैं गिट क्लोन, उसके बाद एक यूआरएल है, उसको कॉपी करके टर्मिनल में रन करेंगे ना तो भी प्रोजेक्ट आ जाता है। तो बेटर वे है कि सोर्स ट्री का यूज़ करें तो ज़्यादा सही है, पर गिट क्लोन एक कमांड है जिससे हम कंप्यूटर में हमारा प्रोजेक्ट ला सकते हैं। उसके बाद में जो मैंने बताया कि ऐड करते हैं हम इंडेक्स में, फिर कमिट करते हैं, फिर पुश करते हैं, तो ऐड करने के भी एक कमांड यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं गिट ऐड। और जो भी फाइल का नाम है, जैसे demo.html हमें पुश करना था तो हम वहाँ पे लिखेंगे demo.html। तो गिट ऐड एक कमांड है जो इंडेक्स में ऐड करती है। फिर उसके बाद जो गिट कमिट में हम मैसेज लिख रहे थे ना, दिस इज़ अ हेडिंग फाइल, दिस इज़ अ देर इज़ अ चेंज इन हेडिंग फाइल, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं गिट कमिट डैश एम मतलब मैसेज, और डिस्क्रिप्टिव मैसेज मतलब जो भी हमें वहाँ पे टाइप करना है वो हम करके टर्मिनल में रन करके ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यूज़ किया गिट पुश, तो पुश कमांड से हम वो कोड को पुश करते हैं कहाँ पर, गिट सर्वर पर। तो उसको हम बोलते हैं रिमोट रिपॉजिटरी ब्रांच, ठीक है? वो एक रिमोट है, एक इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ पे वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो एक लोकल है, लेकिन रिमोट मतलब जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो रिमोट लोकल से रिमोट पे पुश करें। जैसे ही गेट पुश है वैसे ही एक पुल भी रहता है। तो सोर्स ट्री में ना पुश के लेफ्ट साइड में आप नोटिस करेंगे ना, तो वहाँ पे एक पुल बटन भी था। तो जो कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है गिट पर, वो अगर हमको हमारे सिस्टम में कोड को लाना है ना कि प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के लिए तो आपको सोर्स ट्री का यूज़ करना है क्लोन इन सोर्स ट्री, पर अगर आपको कोड को अगर अपने सिस्टम में लाना है ना तो आप गिट पुल का यूज़ कर सकते हैं। पर वही है कि सोर्स ट्री ही बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली विदाउट रनिंग कमांड्स, इन कमांड्स को बिना रन किए भी आप चीज़ों को चला सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि गिट क्या है, जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसको बोला जाता है, जिसमें एक डेवलपर ने कुछ कोड लिखा, वही कोड को कुछ चेंज करके दूसरे डेवलपर ने यूज़ किया, उसी कोड को चेंज करके तीसरे ने किया, तो ऐसे मल्टीपल डेवलपर्स एक ही कोड पे काम करके चीज़ों को रन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाते हैं मल्टीपल लोग काम करेंगे तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम इसको बोलते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अगर एक सिस्टम से अगर ये बीच में सपोज बंद भी हो गया, आपका सिस्टम के अंदर अगर वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया या फॉर्मेट हो गया आपका सिस्टम, ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम, आपके सिस्टम में अगर वो प्रोजेक्ट बंद पड़ गया तो वो दूसरे डेवलपर्स का भी बंद पड़ जाएगा, राइट? ऐसा नहीं है कि हर एक के पास अपनी अपनी एक प्रोजेक्ट की कॉपी है और वो गिट के साथ कनेक्टेड है। तो आप भी अगर डिलीट हो गया है तो आपका जो दूसरा सिस्टम है वहाँ पर आप वो क्लोन करके फिर से ले सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का, ठीक है? अब ये जो वर्ड्स है ना, जो रिमोट ब्रांच, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आपको सुनने मिल रहे होंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, राइट? लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे ना, हम जो अभी आगे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जो अभी हम कोर्सेज का एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, राइट? तो उसमें आपको ये चीज़ें और चीज़ें समझ में आएगी कि बस बहुत सिंपल है, हम जो विजुअल स्टूडियो में कोड लिख रहे हैं ना उसी को बस हमको वो ऑटोमेटिक ही कमिट ले लेता है, बस हमको हमें ऐड टू इंडेक्स कमिट और पुश करना है, बस यही चीज़ रहती है जो हमें सिंक में लेके आएगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एंगुलर के बारे में समझेंगे कि एंगुलर आपको किस तरीके से हेल्प करेगा प्रोजेक्ट, या फिर हम बोलेंगे वेब ऐप बनाने में। तो और हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे जो हम करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।